अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक पाव बेसन, उसके अंदर आधा किलो चीनी, आधा किलो असली घी, आधा किलो पानी, थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए, थोड़ी सी गिरी बारीक कटी हुई, 5 अदद इलायची के दाने। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं चीनी और पानी को इकट्ठा बॉईल कर लूँगी। चीनी से इसमें ऐड करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और अब इसे मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है। 5 मिनट के अंदर मैंने पानी और चीनी को बॉईल कर लिया है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे साइड पर रख दूंगी। घी मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है हाई फ्लेम। जब घी गर्म होगा तो इसके अंदर हम इलायची ऐड कर देंगे। घी को मैंने हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर इलायची ऐड कर दूंगी और इलायची का थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी इसको। इलायची का थोड़ा सा तड़का लगाने के बाद अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लगातार इसका चमचा हिलाते रहना है। बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है। बेसन की खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। और इसका चम्मच लगातार हिलाती रहूंगी ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। इसका चम्मच मैं लगातार हिला रही हूँ। अब साथ ही मैं इसके अंदर गिरी और बादाम ऐड कर दूंगी। ये बनके तैयार है। इसका घी साइड पे आ गया है, ये देखें। अब हम इसके नीचे फ्लेम बंद कर दें। बेसन के हलवे की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ख़ासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। हम इसके ऊपर बादाम और थोड़ी सी गरी और ऐड करेंगे। आप और जो ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।